तो गाइस अपना जो है पार्सल आ चुका है पूरे 40 मिनट इंतजार करने के बाद, और अब टाइम आ चला है इसका अनबॉक्सिंग करने का। और सच बता रहा हूँ, बंद बॉक्स से ना खुशबू बड़ा तगड़ा सा आ रहा है। अब जो है इसको ओपन करके देखते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या इसमें है। तो यहाँ से जो है बॉक्स ओपन करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे फटाफट खोलते हैं। खुल जा खुल चुका है। और अब ये देख लो, 2, 3, 4 और उसके बाद 5 और उसके बाद जो है ये रह गया अपना बॉक्स, जिसको करते हैं साइड। और उसके बाद देखते हैं और क्या क्या मिला है हमारे को इसमें। तो ये देखो, ये जो है इसमें कटलरी और टिश्यू पेपर हो सकते हैं। और अब निकलने वाला है मेन बॉक्स। तो ये रहा एक बॉक्स यहाँ पे है, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 7 के बाद यहाँ पे एक और 8, यहाँ पे एक 9, यहाँ पे एक 10 और एक 11 और एक 12। और ये एक यहाँ पे मिला है हमारे को पाउच, और इसमें हो सकता है आपका लच्छा पराठा हो। बंद करो। तो यहाँ पे जो है सारा कुछ हमने सजा लिया है, अब टाइम आ चला है इन सबको ओपन करने का। देखते हैं इसके भीतर क्या क्या मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये जो देख रहे हो ना, मेरे ख्याल से इसमें मिंट वाली चटनी होगी। तो ये खुला, ये देखो इसमें तंदूरी सॉस टाइप का चटनी है। उसके बाद कोई सारे खाने को हमने अनबॉक्सिंग कर लिया और सबको सजा कर रख दिया। टाइम आ चला इन सबका आपको एक क्लोज लुक देने का, दिखाने का कि क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले ये चेक कर लो यहाँ पे पूरा। ये जो देख रहे हो ना, ये है अंडा करी। भाई साहब अंडा करी भी आजकल मिल रहा है बारबेक्यू में। अंडा करी है, दिखने में बढ़िया सा है। उसके बाद लच्छा पराठा, साइज छोटा छोटा ही है। और पीस कितना है, तो 1, 2, 3 लच्छा पराठा। यहाँ पे चिकन बिरयानी, टंगड़ी कबाब। तो टंगड़ी कबाब सिर्फ एक ही मिला है, मेरे को लगा कि एक दो और मिलता तो बढ़िया रहता। और अब ये जो देख रहे हो आप, ये है दाल मखानी। उसके बाद ये मेरा फेवरेट है प्रॉन। उसके बाद सलाद, इसको यहीं पर रहने देते हैं। और ये है मटन रोगन जोश। मटन देखकर जोश तो आ रहा है, लेकिन रोगन का इसमें कमी है। इसके बाद ये है, आजा भाई, बटर चिकन। ये देख लो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बटर चिकन दिख रहा है। यहाँ पे ये चेक करो, तंदूरी कबाब। उसके बाद यहाँ पे एक और अपने पास टंगड़ी कबाब है। ये है विंग्स, विंग्स की क्वांटिटी अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे है, ये बोनलेस होने वाला है। डेजर्ट में भाई साहब ब्राउनी है, ये है गुलाब जामुन अंगूरी, ये है मूंग हलवा, और ये अपना दो तरह का चटनी। देखने में हर कुछ अच्छा है, सबका चीज़ भी बता दिया, लेकिन पता है इसमें एक चीज़ होना चाहिए था जो बारबेक्यू जाने में मिलता है, वो होता है स्वीट कॉर्न वहाँ का, जो कि खाने में बड़ा मज़ा आता है, मतलब उसका बड़ा याद आ रहा है। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए।